अब तक हमने देखा कि अपने ऐश और हेवन के बीच बहुत ही ज्यादा इंसेन बैटल हो रही होती है, जहाँ पे हेवन का जो क्रिस पोकेमोन ऐश के दो पोकेमोन को हरा देता है, एक थंडरेड और एक ड्रैगटॉर, दोनों को हरा देता है और इस साइड अपने जो फ्रिस भी हार जाता है। और उसके बाद आता है दूसरा राउंड, जहाँ पे हेवन निकालते है अपने लेजेंडरी पोकेमोन एंटी को और अपना ऐश टेलीकिनेसिस ऑर्ब का यूज करके लाता है अपने ग्रेनिंजा को। और फिर होती है ग्रेनिंजा वर्सेस एंटे के बीच बहुत ज्यादा इंसेन बैटल। तो अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो यार जाओ जल्दी से चेकआउट करो। एंड हाँ, इस सीरीज के एपिसोड आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, आप लोग को एपिसोड दिख जाएंगे जिनमें से मूवी भी होगी, तो उसी के अंदर ये सब स्टोरी है, तो उनको जरूर से चेकआउट करना। एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक की मैं 300 लाइक का तो जरूर से कंप्लीट कर दीजिएगा और कमेंट गए मैं 30 कमेंट का, तो जल्दी से सभी लोग कर देना यार, तभी मैं अगला पार्ट अपलोड करूंगा, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना। तो चलो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो हारने के बाद अपना हेवन निकाल लेता है अपने तीसरे पोकेमोन को, जो कि होता है मॉन्स्टर पोकेमोन, जिसका नाम होता है क्रिस्टल। और उस पोकेमोन को देखते ही सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी सारा कहती है, अरे होतेशी, ये भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है ना। तभी अपना होतेशी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये लेजेंडरी के साथ साथ ये एक मॉन्स्टर पोकेमोन है और ये ऐसा पोकेमोन है जो कि हर तरह के अटैक कर सकता है। तभी साइड अपने ऐश कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको हम हरा देंगे, क्यों है ना ग्रेनिंजा। तभी अपना ग्रेनिंजा फुली कॉन्फिडेंस में होता है। तभी साइड अपना हेवन कहता है, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैं तोड़ कर रहूंगा, चलो अब आगे बढ़ो। तभी साइड अपना ऐश कहता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, चलो जल्दी से अभी ग्रेनिंजा फोर्टर पल्स का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना ग्रेनिंजा तुरंत ही जाता है और जम करके मल्टीपल वाटर पल्स अटैक कर देता है। तो इस साइड अपना हेवन कहता है, जल्दी से आप ही किया भी, जल्दी से हाइपर फायर का यूज करके उस अटैक को डिफीट करो। और फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही क्रिस्टल हाइपर फायर का यूज करके उस अटैक को डिफीट कर देता है और वो सीधे अटैक सीधे जाके लग जाता है अपने ग्रेनिंजा के। और वो तुरंत ही वो अटैक लगते ही ग्रेनिंजा दूर जाके गिर जाता है, बट अपना ग्रेनिंजा अपने आप को संभाल लेता है। तभी अपना ऐश कहता है, अरे नहीं, संभल कर ग्रेनिंजा, अब हमें ध्यान से काम लेना होगा। तभी साइड अपना हेवन कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम देखो मेरी चाल, चलो क्रिस्टल अपनी आंखें बंद कर लो। और फिर हम देखते हैं कि अपना क्रिस्टल तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। और ये सीन देखते ही अपना ऐश कहता है, व्हाट, ये कर क्या रहा है। और अपना ऐश सोचने लगता है। तभी साइड अपनी सारा कहती है, ये कौन सी चाल अपना रहा है, ये तो कुछ हिल ही नहीं रहा इसका पोकेमोन, पक्का कुछ ना कुछ तो ये कर रहा है। तभी साइड अपना होतेशी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, या तो उसकी कोई बड़ी चाल है तभी ऐसा कर रहा है वो। तभी साइड अपना ऐश कहते हैं, ग्रेनिंजा हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, जल्दी से अभी क्या अभी वाटर शुरिकेन अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना ग्रेनिंजा तुरंत ही जम करके वाटर शुरिकेन अटैक करता है, जो कि सीधे जाके लगने वाला होता है उस पोकेमोन की। तभी अपना हेवन कहता है, अभी के अभी। और फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही अपना क्रिस्टल वहां से तुरंत ही टेलीकिनेसिस का यूज करके वहां से गायब हो जाता है और वो तुरंत ही अपने ग्रेनिंजा के पीछे आ जाता है और वो मार देता है जोरदार सुपर पंच। और फिर ऐश और ऐश का ग्रेनिंजा जैसे ही मुड़ते हैं तभी तक में वो बहुत ज्यादा देरी कर देते हैं और तभी वो अटैक लग जाता है अपने ग्रेनिंजा के। और वो अटैक लगते ही ग्रेनिंजा दूर जाके दीवार में फिकर जाता है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और उसी के साथ साथ अपना ऐश भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी साइड अपना हेवन हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा, क्या हुआ ऐश, अभी तो मैंने पावरफुल अटैक करा ही नहीं और तुम अभी से हार मान गए। तभी अपना ऐश कहता है, नहीं मैं नहीं हार मान रहा। और फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही अपना ऐश उठ खड़ा हो जाता है और तभी साइड अपना ऐश का ग्रेनिंजा भी जख्मी हालत में उठ खड़ा हो जाता है। तभी साइड अपना ऐश कहता है, चलो ग्रेनिंजा अब हमें अपनी पूरी पावर लगानी होगी, जल्दी से अभी की अभी फुल पावर के साथ एक मेगा वाटर शुरिकेन अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही अपना ग्रेनिंजा फुल पावर के साथ एक जॉइंट वाटर शुरिकेन बनाने लगता है। तभी साइड अपना हेवन कहता है, तो चलो अब हम भी पावरफुल अटैक करते हैं, एक नमूना तो हम भी दिखा ही सकते हैं पावरफुल अटैक का, चलो जल्दी से क्रिस्टल हाइपरऑक्सिस बॉल का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना क्रिस्टल कर देता है हाइपरऑक्सिस बॉल का अटैक, जो कि लगने ही वाला होता है अपने ग्रेनिंजा के। तभी साइड अपना ऐश कहता है, अभी। और फिर हम देखते हैं कि अपना ग्रेनिंजा अटैक कर देता है
और फिर दोनों की अटैक आपस में भिड़ते हैं, जहाँ पे दोनों अटैक एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और दोनों अटैक एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों अटैक लगातार एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट दोनों के पोकेमोन के अटैक बहुत ही ज़्यादा सिमिलर पावरफुल होते हैं, बट अपने ऐश के ग्रेनिंजा की पावर बहुत ज़्यादा कम हो रही होती है और वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा होता है और अपना ऐश भी। तभी अपना ऐश कहता है डटे रहना ग्रेनिंजा, तभी साइड अपना हेवन कहता है अच्छा पावर दिखा रहे हो, चलो क्रिस्टल अभी। और फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही अपना हेवन जैसे ही चुटकी हो जाता है तुरंत ही उस अटैक की पावर बढ़ जाती है, जिसके कारण अपना ग्रेनिंजा संभाल नहीं पाता और वो तुरंत ही क्रिस्टल का हाइपरॉक्सिस बॉल सीधे डिफीट कर देता है ग्रेनिंजा के अटैक को और सीधे जाके लग जाता है वो अटैक अपने ग्रेनिंजा को और दोनों ही अटैक ब्लास्ट हो जाते हैं और वहीं पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और इस धमाके में ग्रेनिंजा दूर फिकर जाता है जो कि अपने ऐश के साथ फिकरा हुआ होता है और चारों ओर धुआं धुआं होता है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ उस मैच में। तभी धुआं जब हटता है तभी ग्राउंड में सभी लोग देखते हैं कि अपना ग्रेनिंजा पूरी तरीके से हार चुका है और अपने ऐश जमीन में पड़ा हुआ है और तभी वो जख्मी हालत में उठता है और वो देखता है कि उसका ग्रेनिंजा अब हार चुका है और ये सीन देखते ही अपना ऐश पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि अपना ग्रेनिंजा अब लड़ नहीं सकता, तो इस राउंड को जीत चुका है अपने हेवन ने और अब ऐश के 3 पोकेमोन बचे और हेवन की 4 और देखेंगे कि कौन जीतेगा। और देखते हैं कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है अपने हेवन के नाम का, क्योंकि वो लगातार उस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल पोकेमोन मास्टर रहा है, जिसके कारण उसको सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उस पूरी चीयर को सुनते ही अपना ओतेशी कहते हैं अरे नहीं ये तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा अनबीटेबल है, अब ऐश कैसे इसको हराएगा, ऐश को कुछ करना होगा। तभी साइड अपना ऐश पूरी तरीके से शॉक होता है और कहते हैं अरे नहीं अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब तो ग्रेनिंजा भी हार गया, अब मैं क्या करूँ, कुछ तो उपाय मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, मैं पिकाचू का भी यूज़ नहीं करना चाहता, काश किसको यूज़ करो किसको यूज़ करो। तभी साइड अपना हेवन कहता है क्या हुआ ऐश, बस ख़त्म, तुम्हारे इस पावरफुल ग्रेनिंजा को भी मैंने हरा दिया, अब तुम्हारे 3 पोकेमोन बचे, अब तुम जो भी पोकेमोन चूज़ करना अब तुम सोच समझ कर चूज़ करना, क्योंकि अब तुमको बहाने नहीं मिलने चाहिए, याद रखना मैं भी अब नाटक नहीं करूँगा, मैं अब तुमको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ। और तभी साइड दिखाया जाता है अपने काल और लेजरस की ओर, जो कि इस मैच को देख रहे होते हैं अपने जादुई शीशे में। तभी अपना काल कहता हा 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 लगता है ऐश तो यहीं के यहीं हार जाएगा, ये हेवन के सामने नहीं टिक रहा तो मेरे सामने क्या ही टिकेगा। तभी लेजरस कहता है आप चिंता मत करिए मुझे पता है ये नहीं जीतेगा। तभी अपना काल कहता है अपने विरोधी को इतना आसान नहीं समझना होता, क्योंकि क्या पता वो हरा दे और मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगा और हमें पूरी तैयारी करके रखनी होगी, अगर ऐश किसी भी तरीके से जीतता है तो मैं उसको तबाह कर दूंगा उस आरसीएस के पकड़ने से पहले ही, तुमको पता है ना लेजरस करना क्या है हमको। तभी अपने लेजरस कहते हैं हाँ मेरे दोस्त मुझे पता है, एक बार आने तो दो ऐश को तब ना। तभी साइड अपना ऐश सोच ही रहा होता है, तभी अपने ऐश कहते हैं कोई ना मुझे पता है चार्जॉट ये तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है मेरे दोस्त, चलो मैं तुम्हें चूज करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि अपना ऐश चूज करता है अपने चार्जॉट को और चार्जॉट को देखते ही हेवन कहता है क्या ऐश तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या, ये तुम्हारे नॉर्मल पोकेमोन नहीं लड़ेंगे मेरे सामने, वो ग्रेनिंजा तुम्हारा इसलिए जीत गया था क्योंकि वो थोड़ा सा बॉन्ड एवोल्यूशन था। तभी अपना ऐश कहता है तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करके दिखाता हूँ और मेरा ये वादा है मेरा ये चार्जॉट तुम्हारे इस पोकेमोन को जरूर से जरूर हराएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इस पूरे मैच को ही छोड़कर चला जाऊंगा बीच मैच में। तभी अपना हेवन कहता है क्या बात है आई लाइक इट, तुमने तो मजा दिला दिया यार, बट अब मैच में तुम दिखाओ तुम्हारे इस पोकेमोन में कितना दम है,
वो तो वक्त ही बताता है यहाँ बातें करने से कुछ नहीं होता। तभी अपना ऐश कहता है ओके तो मैं करके दिखाता हूँ, चलो चार्जॉर्ड अभी के अभी ड्रैगन क्लॉ का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही अपना चार्जॉर्ड स्पीड के साथ जाता है अपने क्रिस्टल के पास और वो तुरंत ही कर देता है ड्रैगन क्लॉ का अटैक। तभी अपना हेवन कहता है जल्दी से डॉच करो और फिर हम देखते हैं कि अपना क्रिस्टल तुरंत ही उस अटैक से डॉच कर रहा होता है। बट बचते बचते अपने चार्जॉर्ड का अटैक वो लग जाता है एक बार क्रिस्टल के और वो लगते ही अपना क्रिस्टल थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और वो थोड़ा पीछे सरक जाता है। तभी अपना हेवन कहता है चलो अभी के अभी टेलीकिनेसिस का यूज करो और फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही अपना जैसे ही चार्जॉर्ड ड्रैगन क्लॉ अटैक मारने वाला होता है तभी अपना क्रिस्टल पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और वो तुरंत ही कर देता है ड्रैगन टेल का अटैक जो कि लग जाता है अपने चार्जॉर्ड की। और वो अटैक लगते ही अपना चार्जॉर्ड जाके दीवार में चपक जाता है और वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। बट अपना चार्जॉर्ड जख्मी हालत में फिर से उठ खड़ा हो जाता है और ये सीन देखते ही अपना ऐश कहता है व्हाट ये क्या, ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज है और मुझे याद रखना होगा इसके पास टेलीकिनेसिस अटैक है, चार्जॉर्ड संभल कर रहना। और फिर हम देखते हैं कि अपना ऐश का चार्जॉर्ड भी एकदम फोकस कर रहा होता है क्रिस्टल के ऊपर और वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। और तभी इस साइड अपना हेवन का क्रिस्टल अपने ऐश के चार्जॉर्ड को चिढ़ाता है और तभी ये देखते ही अपना ऐश का चार्जॉर्ड और भी ज़्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो तुरंत ही अपने ऐश का चार्जॉर्ड कर देता है हाइपर फ्लेम थ्रोअर का अटैक जो कि सीधे जाके लगने ही वाला होता है अपने क्रिस्टल को। तभी अपना हेवन कहता है उस अटैक से बचो और फिर हम देखते हैं कि अपना क्रिस्टल उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है बट अपने ऐश के चार्जॉर्ड का वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उसको रोक नहीं पाता और वो अटैक सीधे जाके लग जाता है अपने क्रिस्टल को और अपना क्रिस्टल दूर फिकर जाता है और वो थोड़ा सा बर्न एडिक्ट हो जाता है। और ये सीन देखते ही अपने ऐश कहता है अरे वाह चार्जॉर्ड ये हम लोग कर सकते हैं, तुमने तो नया अटैक सीख लिया। तो बस क्या होगा, क्या अपना ऐश का चार्जॉर्ड अपने इस मॉन्स्टर पोकेमॉन क्रिस्टल को हरा पाएगा या अपना ऐश उस सर्द को हार जाएगा और ऐश को जाना होगा वापस इसी यूनिवर्स में भटकने। क्या ऐश ने बहुत बड़ी गलती कर दी चुनौती देकर, तो देखेंगे अगले एपिसोड में। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो जाओ चेकआउट करो और हमारी अदर मूवीज को भी जरूर से चेकआउट करना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड हाँ सब्सक्राइब कर देना यार और कमेंट में ओपिनियन दो कि आप लोग को ये स्टोरी कैसी लग रही है और अगर आप लोग कुछ ऐड करवाना चाहते हो इस स्टोरी में तो यार जरूर से कमेंट में बताओ, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।